हिमाचल के कांगड़ा जिले के ब्लॉक देहरा की ग्राम पंचायत धन्नोट के पंजियाड़ा गांव में रंगड़ों के काटने से एक 85 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रंगड़ों के इस मामले में 6 पालतू जानवरों की भी मौत हो गई। इन जानवरों की मौत मौके पर ही हो गई है। बीते बुधवार को रंगड़ों के हमले में घायल हुई वृद्धा सुनहरी देवी को ज्वालामुखी के पास सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन यहाँ उचित इलाज नहीं हो पाने के कारण उन्हें टांडा रेफर कर दिया गया। सुनहरी देवी को डॉक्टर बचा नहीं पाए। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना तब घटी जब सुनहरी देवी अपने घर पर काम कर रही थी। इस मामले को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने ज्वालामुखी पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। देहरा अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृत जानवरों को भी दफना दिया गया। ग्राम पंचायत धन्नोट के पूर्व उप प्रधान सुनील राणा ने इस गरीब परिवार के लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रंगड़ों के हमले में गांव पंजियाड़ा की वृद्ध महिला व 6 जानवरों की मौत होने के बाद से इलाके में माहौल गमगीन है। उन्होंने कहा कि रंगड़ों से ग्रामीणों को डर लगने लगा है। मैं एक्स उप प्रधान धनोट पंचायत का हूं। हमारे गांव में, हमारे धनोट पंचायत में एक गांव पड़ता है पंजियाड़ा, वहां पे परसों की चौथ की डेट में रंगड़ों ने एक औरत को काट लिया है और उस औरत की तकरीबन उम्र है 80 और 85 साल के भी, और साथ में उनके 5-6 पशु भी काटे गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई पशुओं को भी। तो इस वजह से हमारे गांव में बड़ा शोक का चला हुआ इस वक्त। वो जिसको काटा था उसको ले गए थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने टांडा रेफर कर दिया और टांडा से कल उनकी मृत्यु होकर डेड बॉडी घर पे आ गई। इत्तफाकन ये हो गया, टांडा वालों ने मेडिकल नहीं किया था, क्या वजह रही हमें जानकारी नहीं है। उनका मेडिकल करवाने हम यहाँ पर आए हुए हैं, पोस्टमार्टम करवाने यहाँ आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हम दरख्वास्त करते हैं, ये बड़ा अति गरीब परिवार है, इनमें आमदन का साधन कुछ नहीं है, तो इनको जल्द से जल्द जितना भी ज़्यादा चीज़ ज़्यादा मुआवजा हो सकता तो दिलवाया जाए। जानवर था जी, बकरियाँ थी, कितनी 4 बकरियाँ थी, 4 बकरियाँ थी और एक भैंस का बच्चा है और एक डॉग कुत्ता है इनका। ये 5-6 जानवरों की डेथ हुई। इसमें भी जब इन्होंने वेटरनरी वालों को संपर्क किया था तो डॉक्टर नहीं, फार्मासिस्ट राकेश जी आए थे, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी लगाए पर वो बच नहीं पाए जानवर, और इन माता जी की तो 2 दिन के बाद टांडा हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।